सपना देख रहे हो बेटा, पापा तो यहीं पे। करने की क्या जरूरत थी? मुझे लगा तुमको अच्छा लगेगा, सोचा सरप्राइज दूंगा तुमको विद फ्लावर्स। लेकिन पापा, आपने फूल चोरी किए थे ना, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना मम्मी? बिल्कुल। कम ऑन मम्मी, अब फूल ही तो चोरी किए हैं। लेकिन खरीद भी तो सकते थे। अरे खरीदने में वो बात कहां, मुझे लगा ऐसे ज्यादा रोमांटिक रहेगा, सोचा था कि तुम लोग खुश हो जाओगे, मगर यहां तो उल्टा ही हो गया। सॉरी माया। ये तुम्हें रोमांटिक होने की बीमारी कब से लग गई? हम तो आप ही के बीमार हैं डॉक्टर साहब। माशाल्लाह क्या खूबसूरत बीमारी है ये। उफ, वाह, क्या डायलॉग मारा है साहब। या पापा, नॉट वेरी बैड। नॉट बैड एट ऑल। या नो मम्मी, इट्स वेरी बैड, वेरी बैड पापा, आपने चोरी की। हाँ बेटे, सच कह रहा है तू, तेरे बाप ने चोरी की है, चोर है तेरा बाप। Come on, Raj, enough drama. एक दिन तिलक जी की बेटी तारा घर से बाहर खेलने गई। वहां उसने अदरक देखा, जिंजर। उसने बिना कुछ सोचे वो अदरक का टुकड़ा उठाया और घर आ गई। जब उसने वो टुकड़ा तिलक जी को दिखाया तो वो परेशान हो गए। वो बहुत सच्चे आदमी थे।
उन्होंने पूछा कि तारा तुमको मालूम है तुमने चोरी की है? तारा ने कहा नहीं। फिर तिलक जी ने एक बड़ी अजीब बात की, उन्होंने एक छड़ी उठाई और अपने आप को जोर जोर से पीटने लगे। तारा रोने लगी और बोली, पापा पापा आप ये क्या कर रहे हैं? तो वो बोले, बेटी तुम्हें ये नहीं मालूम कि तुमने चोरी की है, गलती तुम्हारी नहीं मेरी है, क्योंकि मैंने तुम्हें ये नहीं सिखाया, इसलिए मैं अपने आप को सजा दे रहा हूँ। अब इस कहानी से आप सबको क्या सीख मिलती है? मैम, यस मैम, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि तिलक जी को अदरक अच्छे नहीं लगते थे। मैम मैम, यस हमें ये भी सीख मिलती है कि तारा को अदरक अच्छी लगती थी। निखिल नाग, ये अदरक की कहानी नहीं है। मैम, ये चोरी की कहानी है, इससे हमें पता चलता है कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। That's right, Roma. Very good. मैम? Yes, Jay. मैम, अगर तारा ने चोरी नहीं की होती और उसके पापा करते तो? तो मैम, तारा अपने आप को छड़ी से मार दी। That's not true, Sachin. नहीं जय, तारा के पापा चोरी नहीं करते क्योंकि उन्हें मालूम है चोरी करना बुरी बात है। पर मैम, फिर भी वो करते? नहीं जय, वो नहीं करते। मैम, आपको कैसे मालूम? तुम्हें कैसे मालूम कि वो चोरी करते हैं? क्योंकि मेरे पापा करते हैं मैम, मेरे पापा चोर हैं। ये सच है मैम, माय फादर इज अ थीफ। नो मैम, मैं इसके फादर से मिल चुका हूँ, वो चोर नहीं है, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैम, मेरे पापा कहते हैं सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट चोर होते हैं। तेरे पापा ने उसके पापा को चोर कहा, मैं तुझे बहुत मारूंगा। मैंने थोड़ा ना कहा, मेरे पापा ने कहा, जाओ उन्हें जाके मारना। ओके, दैट्स इनफ बॉयज। जय प्लीज, इस तरह की कहानियां सुनाकर क्लास का टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? दिस इज नॉट राइट जय, हमें अपने पेरेंट्स की इज्जत करनी चाहिए, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। नाउ सिट डाउन। नाउ द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, गलतियां सबसे होती हैं, मगर अनजाने में की गई गलती को माफ करना चाहिए और उसे ये सिखाना चाहिए कि वो भूल फिर से ना हो। ऑलराइट? से मिली नजर के मेरे होश उड़ गए, ऐसा हुआ असल, ऐसा हुआ। माया, कौन सी टाई पहनूं? जो भी अच्छी लगे। ये तो समझ में नहीं आ रहा कि दोनों में से कौन सी अच्छी है, तुम बताओ ना प्लीज। राज, हाँ? तुम हमेशा ऐसे क्यों नहीं होते? आगे से ऐसे ही रहूंगा, हमेशा, प्रॉमिस। नहीं, दिस कांट लास्ट, ये तुम्हारा रोमांटिक फेज चल रहा है। तो चलने दो, कुछ बुराई है? मैं जानती हूँ ये सब किस लिए हो रहा है। किस लिए? सुंदरी की वजह से। Come on, Maya. I don't mean के तुम्हें उसके लिए कोई romantic feelings हैं। It's just a new experience for you. और तुम अलग तरीके से behave करना चाह रहे हो। तुम्हारा मतलब है मैं दिखावा कर रही हूँ? Not at all, darling. Anyway, छोड़, ये बहुत technical है। ऐसे ही रहो। I like it. Actually, now that you are saying it, इंस्पायर तो हुआ हूं सुंदरी से भी और जय से। He is inspired me a lot. Does this puppy inspire you? Whatever you say. आजादी इन सब आदमियों के लिए सबसे जरूरी चीज थी। आजादी देश की और उसके साथ साथ सारे देशवासियों की। आजादी के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह किया, असहयोग आंदोलन चलाया, भगत सिंह आजादी के लिए शहीद हुए। मैम, यस जय,
मैम, आजादी तो अच्छी चीज होती है ना? हाँ, तो फिर हमें उसके लिए लड़ना क्यों पड़ता है? आजादी के लिए लड़ना इसलिए पड़ा क्योंकि ब्रिटिशर्स का इसमें फायदा नहीं था कि हमें आजादी मिले। तो क्या आजादी हमारे लिए एक फायदे की चीज है? ऑफ कोर्स मैम, आजादी के फायदे क्या होते हैं? जय, ये हिस्ट्री की क्लास है, फिजिक्स की नहीं, जो तुम ऐसे सवाल पूछ रहे हो। और वैसे भी आजादी के फायदे तुम्हारी समझ में नहीं आएंगे, यू टू यंग। सिट डाउन। हाँ, तो हम कहाँ थे? भगत सिंह आजादी के लिए शहीद हुए। आजादी इन सब आदमियों के लिए सबसे जरूरी चीज थी। क्या सोच रहे? बता ना। क्या बताऊंगा तुम? तू ना बहुत शंकी होता जा रहा है। क्यों? क्या जरूरत थी इतने सवाल पूछने की? सबसे डांट खाता है तू। जब तुझे कोई डांटता है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता, पर क्या करूं? तुझे याद है ना पैट्रिक सर ने क्या कहा था? क्वेश्चन फॉर एवरीथिंग। तो फिर क्वेश्चन करना। तू तो पूरी टेस्ट ले लेता है। हाय जय। अब देख, इसकी टेस्ट मत ले लेना। नो क्वेश्चंस, ओनली आंसर्स। ओके। किससे बातें कर रहे थे? किसी से नहीं। तो नहीं है ना? नहीं। क्यों? सॉरी सर। क्या हुआ? मैंने सोच के रखा था कि मैं किसी से सवाल नहीं पूछूंगा, सिर्फ जवाब दूंगा। यू आर क्रेजी एंड लेजी। वैसे तो ठीक हो, पर तो पता नहीं क्लास में क्या हो जाता है। मेरे पापा चोर है ये कहने की क्या जरूरत थी? क्योंकि वो है, पर वो वैसे चोर नहीं है। आज सुबह वो कहीं गए और बहुत सारे फूल चुरा के लिए, मम्मी को खुश करने के लिए। और जब मैंने उनको कहा ये गलत बात है, तो वो हंसने लग गए जैसे तुम हंस रही। अरे बात ही कुछ ऐसी है, तुम्हारी भाभी खुश हुई ना बस। पर चोरी करना गलत काम तो है ना, अलाउड नहीं है। फूल ही तो चुराया है। या स्लीपर्स, ये नेल पॉलिश स्कूल में अलाउड है, लेकिन मुझे अच्छी लगती है इसलिए मैंने लगाई। इसीलिए तो, छोटी सी बात है, बिल्कुल तुम्हारे पापा की चोरी की तरह, समझे? मधुर, हाँ? तुम ये नेल पॉलिश रोज लगा के आती हो? नो सिली, इतनी जोर जोर से मत लगाओ। पिया सॉरी, मैं सोचा ज्यादा जोर जोर से ब्रश चलाऊंगा तो ज्यादा दिन चलेगी नेल पॉलिश। डोडो जस्ट डू इट, तुम सोचा मत करो प्लीज। ओके पिया, तुम कहती हो तो मैं नहीं सोचता हूँ। मैं बुरा लगता हूँ ना जब मैं सोचता हूँ? या यू डोंट लुक एज हैंडसम एज यू आर, यू नो। अब इस पर या हम लोगों को अब शादी कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आई लव यू। इसका शादी से क्या लेना देना? पिया प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरे पेरेंट्स मुझे मेरे अंकल से बिजनेस सीखने के लिए नाइजीरिया भेज रहे हैं। अगर हम शादी कर लेते हैं तुम भी साथ चलना, विल बी टुगेदर, यू नो, कूल। इन नाइजीरिया? आर यू मैड? पिया मैं तुम्हारे बिना बॉम्बे में एक दिन नहीं रह सकता हूँ। नाइजीरिया फिर भी बहुत दूर है। तुम्हें पता है नाइजीरिया कहाँ है? हाँ, कहाँ? नाइजीरिया फॉरेन में दुबई से दूर है। ओ डोडो, यू आर सो इंटेलिजेंट। मैं हमेशा लड़की के मामले में फंस जाता हूँ, हमेशा। 3-4 साल से यही चल रहा है। मैं कुछ समझी नहीं। मैं किसी को ना नहीं बोल सकता। I can't say no to anyone. You can't say no to anyone? Or you can't say no to yourself? नहीं जी, मैं हमेशा sacrifice करता हूँ। अब देखिए ना, मेरी एक girlfriend थी, वो मुझसे शादी करना चाहती थी और मैं मान गया। तो उसमें क्या प्रॉब्लम हुई? प्रॉब्लम?
प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। मेरे पास उसकी जैसे और तीन खूबसूरत गर्लफ्रेंड्स है, सोनू, रितु और तारा, और वो सब भी मेरे साथ शादी करने को चाहती है। अब बताओ ना मैं क्या करूं? आपकी चार गर्लफ्रेंड्स हैं और वो सब आपसे शादी करना चाहती हैं। जी हाँ, सारी दुनिया का बोझ मेरे सर पे है। और आपको लगता है कि आप किसी को भी मना नहीं कर सकते, ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैं एक साथ बहुत सारे लोगों से मोहब्बत कर सकता हूँ। इसी मेरा नेचर ही ऐसा है, क्या करें, आफ्टर ऑल एक ही जिंदगी तो मिली है हमको, और उसमें अगर मैं जस्ट मोहब्बत करता हूँ तो क्या गुनाह करता हूँ? शर्म नहीं आती दो बच्चों के बाप होकर ऐसी बात करते हो? जी बच्चे? डॉक्टर साहब अब तो शादी नहीं हुई, बच्चे कैसे? ओह आई एम टेरिबली सॉरी। It's okay. Doctor साहब, but you have to help me, Doctor साहब. मैं किसी का दिल तोड़ना नहीं चाहता। Mr. Menon, आपकी problem commitment की है। आप किसी एक के साथ रहना नहीं चाहते और किसी को छोड़ना नहीं चाहते। Finally, आप ही को decide करना है। देखिए Doctor साहब, अगर सिर्फ चार लड़कियां होती तो कोई problem नहीं होता। लेकिन recently मैं खूबसूरत, beautiful, लाजवाब लड़की से मुलाकात किया। संगीता। पांचवी? जी हाँ। ओह माय गॉड, जय तूने दीवार देखी है? हाँ, स्कूल के चारों तरफ दीवार ही तो है। अरे वो नहीं यार, दीवार पिक्चर मालूम है, उसने अमिताभ बच्चन ने अपने हाथ पे लिखा है, मेरा बाप चोर है। मुझे लगता है बड़ा होके तू भी वैसा ही बनेगा। देख ए देयर यू आर, तू बहुत सजी हो गया। हाँ, हमेशा गर्ल से बातें करता रहता है। तू बहुत बात करती है जय से। He's so sweet. Sweet? इसलिए वो अपने पेरेंट्स के बारे में ऐसा सब बोलता रहता है। That's okay. पता उसे मेरी नेल पॉलिश बहुत अच्छी लगी। कैसे लगा कि? बस रहने दे। गर्ल से बात करने से कोई शिशी नहीं बन जाता है। जय, तुम्हें नेल पॉलिश अच्छी लगती है? हाँ। अब वो तुझे कल नेल पॉलिश लाके देगी। और तू नेल पॉलिश से अपने हाथ पे लिख लेना, मेरा बाप फूल चोर है और मैं हाफ चोर। अरे भाई डेजमंड, खाना लाओ। यही तो इसमें सबसे बड़ी बुराई है, जब तक खाना ले नहीं आता तब तक जवाब भी नहीं देगा। डेजमंड, खाना लाओ। जय। हे, व्हाट्स गोइंग ऑन? चलो किधर, क्यों चिल्लाता है? खाना आ गया, ये लो खाना। क्या हो गया आज, बहुत लेट हो गया? आज तो बहुत डिलीशियस है। तुम्हारी पसंद की दाल बनी है? दाल। बेटा आज थर्सडे है, आज दाल ही बनती है। फिर मम्मी चिकन क्यों नहीं है? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.